ये ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी, पूरे 1.5 घंटे तो पीछे से हो ही जा रही है। ये यहाँ पर खोलने की भाभी की पूरी जदोजहद। अच्छा ये इस तरह से है, इमोशनल हो गए यहाँ पे सब। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मतलब दिनों बाद, क्योंकि मारी आप अपने घर चली गई थी, तो बस दिल बहुत ज़्यादा अपसेट था और तबीयत भी डाउन थी थोड़ी सी, तो इसलिए ये वाला व्लॉग एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। ये मंडे वाले दिन का व्लॉग है क्योंकि वो मंडे को गई थी, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर जी आप ही अपनी सारी चीज़ें निकाल कर यहाँ पर रख चुकी थी, बच्चे सो गए थे, बच्चे जब जाग रहे हो तो पैकिंग नहीं हो सकती, तो उनको पहले सुला दिया था और हम लोग लेट नाइट यहाँ पर पैकिंग करना स्टार्ट कर रहे थे ताकि बच्चे सो जाएँ और हर चीज़ रिलैक्स होकर हम लोग रख सकें, कोई चीज़ भूल ना जाए। दवाइयाँ यहाँ पर बच्चों की सारी निकाल के रखी हुई हैं, सारा कुछ यहाँ पर सेटअप करके हमने रख लिया और अब इसे रखा। यहाँ पर जैनब के ये पैम्पर हैं, ये बड़ों के हाथी के हैं और ये इनका बैट है। ये सारी दवाइयाँ इनकी पड़ी हुई हैं। एक तो बच्चों को ज़रा सा मौसम चेंज हो, ये सारी इनकी दवाइयाँ। ये थोड़ी सी इनकी पाउडर वगैरह पड़ा हुआ है, लोशन। ये वाली जो क्रीम है ना बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगी। इंशाल्लाह मैं जल्दी ये लेकर आऊँगी, बहुत अच्छी है। और ये मारियापी की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सॉक्स पड़ी हैं जैनब की। ये सारा सामान नीचे बिखरा हुआ है, वहाँ पर अपने कपड़े रख कर गई हैं। और ये बुक्स जो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसको मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि ये हमने मंगवाई थी ऑनलाइन। इंशाल्लाह वो वीडियो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो उस टोकरी में जैनब के कपड़े हैं और इस बैग में हारिस आदि के कपड़े हैं और इसमें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। इसे ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इनके सारे शूज़ पड़े हैं, ये तीनों आज ये जो शूज़ हैं ये नए लेकर आए हैं ये तीनों। ये जो शॉपर है ना, इसमें न्यू कपड़े हैं बच्चों के, ये न्यू कपड़े हैं इनमें, ये कल लेकर आए थे भाई और मम्मा और भाई के हुए थे। इसकी से ओपन करते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से करना हो ना तो बड़ा टफ हो जाता है काम। ये इसमें भी कपड़े हैं, अल्लाह। बस ये चीज़ें वगैरह ही पड़ी हुई हैं। ये जैनब के कपड़े हैं, ये चाची ने और कुछ मम्मा ने स्टिच किए हैं। अब देखो लॉन के हैं मेरा ख्याल, नहीं लॉन के नहीं है, मोटे कपड़े हैं, मतलब जो पहने जाते हैं सर्दियों में, स्टफ ओवल है। इसको बाहर निकाल कर रखते हैं हम। ये जो चीज़ें हम लेकर आए थे मैंने आप लोग को दिखाई थी, जो मेरी थी वो मैंने इसमें से निकाल दी, जो सिस्टर की है वो उसमें पड़ी है। ये इसमें क्या, इसमें जैनब की चीज़ें हैं। ये हमारी आपी का सूट है, ये क्या है, हाँ मोटी निकल रहे हैं बच्चों की। ये भी हमारी आपी का सूट है, ये खाली हो गया, अब वो आती हैं तो वो इसमें। ये इतने कपड़े मैंने रख लिए हैं और ये जो लड़की यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये उस टाइम से इधर ही बैठी है, बस स्टेक लगा रही है, कभी क्या करिए कभी क्या करिए, मछुरे दे रही है, बता नहीं रही, खुद उठ के नहीं रख रही, कह रही सारे काम मैं करा के ही जाऊँ। अब बताओ इसमें और क्या रखना, तो ये बच्चों वाले के जो न्यू कपड़े हैं ये किस में रखने, ये वाले शॉपर भी इसमें रख दो, ये काफी साथ मैं और अपनी सिस्टर्स बातें कर रहे थे और साथ यहाँ पर पैकिंग हो रही थी। यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े मैंने सेटअप करके रख दिए थे, हारिस के अलग, हादी के अलहदा रख दिए थे, और थोड़े से जो मोटे कपड़े थे वो मैंने अलहदा रख दिए थे, जो एक्स्ट्रा थे वो भी अलहदा रख दिए थे। ये ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग कम्प्लीट हो चुकी, पूरे 1.5 घंटा लगाया हमने ये करने में, अभी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी। अब एक ड्राइंग बुक नहीं मिल रही, उनको ढूंढने की तैयारी। हाँ जी अच्छा, अब मैं थक कर बैठ गई हूँ और मुझे भूख लगने लग गई है,
तकरीबन यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं और बाहर बारिश हो रही है। मैं चिप इंजॉय कर रही हूँ, निकले मुझे पसंद नहीं है पर भूख के लिए ये भी चलेगा। उसके बाद तकरीबन हम 1-1.5 बजे तक हम लोग सो गए थे और पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। उसके बाद हम सो गए, उसके बाद जी ये मॉर्निंग स्टार्ट होगी, अगला दिन स्टार्ट मतलब मंडे जिस दिन उन्होंने जाना था। यहाँ पर भी ने बनाए थे मीठे टोस्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है और बल्कि हम सारी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग ये बहुत शौक से खाते हैं और ये आप ही की फरमाइश पर बनाए थे भाभी ने। तो आई होप आप मेरे व्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ पर जी ज़ैनब्स लेटी हुई है और फुल रोना मचाया हुआ है इसने, देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा मेरी डॉल को। ये हादी पारी करता हूँ अपनी बहन को। हादी बहन अच्छी है, ये अम्मी इनकी बुक्स बाइंड कर रही हैं, इन्होंने सारी उसके हिस्से अलग अलग किए हुए हैं। ये अब मम्मा ने इस तरह से इसे स्टिच कर दिया। जैनब भी पटर पटर आंखें खोल के देख रही है। शशि इधर रखो अपना। हारिस क्या कर रहे हो जी? यहाँ पर चाय बन रही है, बच्चों को लेने के लिए आ गए हैं भाई उनके लिए, और खाना उन्होंने नहीं खाना तो भाई ये पिज्ज़ा लेकर आए थे। रहा और ये बिस्किट्स हैं, ये ओवन में कुछ रखा है गर्म होने के लिए, मुझे आइडिया नहीं है क्या। ये सैंडविचेस हैं चल, ये यहाँ पर खोलने की भाभी की फूल जदोजहद। अच्छा ये इस तरह से है, ये इसके अंदर चप्पल तो बड़ी मजे की लग रही है। ये वो जो लास्ट टाइम वो नॉन लाइट वो तुम्हें याद है वही वाला लग रहा है। ये चाय, ये चीज़ें चाय के साथ सर्व करनी है, ये इस तरह से। चलो भाई अंदर ले जो, जो इधर लाइट ब्लू वाला। ये है हमारी आपी का इतना सारा सामान, और यहाँ पर भी दो पड़े हुए थे वो जा रहे। पहले बड़े वाला रख रहे हैं। बड़े वाले ही रख रहे हैं। एजल, एजल ने भी जाने, एजल ने जाने, ये किसने पारी की है? इमोशनल हो गए यहाँ पे सब। ये माथियाँ यहाँ पर भाई उन्हें बाय बाय कर रहे थे। जो हादी था वो हमसे मिले बगैर ही गाड़ी में बैठ गया था, इतनी एक्साइटमेंट थी उसको। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।